दोस्तों, ये नॉर्थ बंगाल से कुछ तस्वीर सामने आ रही है। इस तस्वीर को थोड़ा सा गौर से देखने वाली बात है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीमों के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर जितने भी बड़े ईपीएफओ के कार्यालय हैं, सभी जगह पे धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा है, ताकि 26 जनवरी तक माननीय श्रम मंत्री, माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि कर सकें। इसी को लेकर यहाँ पे एक बहुत बड़ी रैली होने का योग है, कुछ आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे इन सभी प्रकार के रैलियों को आप देख सकते हैं। आगे की तस्वीर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे नारेबाजी और भाषण किया जा रहा है, अनशन प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ में बैठ के अपने विचारों का आदान प्रदान भी किया जा रहा है। आगे की तस्वीर से स्पष्ट हो जाता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक नॉर्थ बंगाल में कितनी भारी संख्या में यहाँ पे एकत्रित हुए और एकत्रित होकर अपने दुखों को और साथ ही साथ में अपने विचारों को एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान किया। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं होने की वजह से काफ़ी तीव्रता के साथ में काफ़ी ज़्यादा रोष है पेंशनर्स में, और पेंशनर्स आगे चल के जो तो रैली आंदोलन कर रहे हैं ताकि 26 जनवरी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि हो सके। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।